हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा सर्किट है जो कि पावर सप्लाई का डीसी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, चाहे इनपुट एसी सप्लाई में फ्लक्चुएशन आए या लोड करंट में वेरिएशंस हो, फिर भी ये क्या करेगा, पावर सप्लाई का जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखेगा। कहने का मतलब रेगुलेटर डीसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है, उसमें लास्ट ब्लॉक रेगुलेटर का होता है। ये इनपुट एसी सप्लाई, इसका इनपुट एसी सप्लाई होता है, तो इनपुट एसी सप्लाई जब ट्रांसफार्मर को देंगे तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन यूज़ करेंगे, तो ये इस वोल्टेज को घटाएगा, स्टेप डाउन करेगा, रेक्टिफायर उसमें से एसी को उठाएगा, तो रेक्टिफायर, फिर भी रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है, उसमें एसी का पार्ट रहता है, एसी प्लस डीसी होता है। तो फिल्टर क्या करता है, उसमें से एसी को पार्ट को हटाएगा, फिर भी उसमें रिपल थोड़े रह जाते हैं, वेरिएशन थोड़े उसमें होते हैं, प्योर डीसी नहीं होता फिल्टर का आउटपुट। रेगुलेटर क्या करता है, प्योर डीसी प्रोवाइड कराता है, उसमें कोई भी पार्ट एसी का नहीं रहता, रेगुलेटेड डीसी प्रोवाइड कराता है। तो जीनर डायोड, रेगुलेटर में जीनर डायोड का मेन रोल होता है, जीनर डायोड यूज़ करते हैं। जीनर डायोड क्या करता है, जब उसको रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं तो ये क्या करता है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब जीनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में क्या, किसकी तरह व्यवहार करता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करता है जीनर डायोड। जैसे 6 वोल्ट का जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन का है, तो 6 वोल्ट ये प्रोवाइड करेगा। लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन क्या है, लाइन रेगुलेशन है आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी कब, जब लाइन वोल्टेज में चेंज आ रहा हो, लाइन वोल्टेज में चेंज हो फिर भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, रखना उसको बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। उसमें लोड करंट को कांस्टेंट मानते हैं। और लोड रेगुलेशन क्या है, लोड करंट में चेंज आ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी यदि लोड करंट में चेंज हो रहा हो तो ये उसमें लाइन वोल्टेज को कांस्टेंट मानते हैं। यह है लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन यानी लोड करंट में चेंज आ रहा हो तो उसको, उसमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। लाइन रेगुलेशन क्या है, लाइन वोल्टेज में चेंज हो रहा हो तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, ये उसमें लोड करंट को कांस्टेंट मानते हैं। ये लाइन रेगुलेशन, ये लोड रेगुलेशन। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर क्यों बोलते हैं इसको सीरीज रेगुलेटर, क्योंकि ट्रांजिस्टर लोड के सीरीज में, दोनों सीरीज में है, इसलिए ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर है। ये डीसी आउट रेगुलेटर डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका इनपुट है वो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या है, वीजेड माइनस वीबी। आउटपुट वोल्टेज क्या, वी नॉट बराबर वीजेड माइनस वीबी। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो सीरीज कंट्रोल एलिमेंट है। जीनर डायोड क्या कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करा रहा है। इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। यदि आउटपुट वोल्टेज, माना कि आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो इस इक्वेशन से देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो जीनर डायोड तो कांस्टेंट है तो क्या बढ़ेगा, वीबी का मान बढ़ेगा, 200 मीटर वोल्टेज का मान बढ़ेगा। 200 मीटर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट करेगा, ये ज़्यादा कंडक्ट करेगा, ज़्यादा कंडक्ट करेगा कहने का मतलब यहाँ पे करंट ज़्यादा बहेगी तो ये आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब आउटपुट वोल्टेज वापस इंक्रीज होगा, डिक्रीज जो आउटपुट वोल्टेज हुआ था वापस इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वीबी का मान बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा कंडक्ट करेगा, ज़्यादा कंडक्ट करेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगी, यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा उसको तो आउटपुट वोल्टेज वापस इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डिक्रीज और इंक्रीज आपस में इफेक्ट कैंसिल हो गए तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगा। इसी प्रकार से यदि सेकंड केस देखते हैं कि यदि आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, माना कि आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ये तो कांस्टेंट है जीनर डायोड, तो क्या घटेगा, वीबी का मान घटेगा, तब भी आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो वीबी का मान घटेगा, वीबी का मान घटेगा तो 200 मीटर वोल्टेज का मान घटेगा तो ट्रांजिस्टर लेस कंडक्ट करेगा, कंडक्ट कम करेगा, कम कंडक्ट करेगा कहने का मतलब करंट कम बहेगी, करंट कम बहेगी तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे वापस डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज वापस डिक्रीज हो जाएगा। तो जो इंक्रीज हुआ था वोल्टेज वापस डिक्रीज हो गया तो इस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। तो ये सिंपल ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर की वर्किंग है। थैंक यू।